नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है एक करके जानेंगे। दरअसल फ्रांस ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, 183 पाकिस्तानियों के खिलाफ वीजा रद्द करने के आदेश दे दिए। जी हाँ, बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फ्रांस का किया था विरोध, अब इस्लामिक देशों की स्थिति तरीके से लोगों पर लगाएगा फ्रांस बैन। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल भूगोल सुधारने का वक्त आ चुका है भारत का। पीओके और गिलगित बल्टिस्तान को लेकर हिंदुस्तान ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिलहाल एलएसी पर तनातनी के बीच इस महीने 3 बार होगा पीएम मोदी और सी जिनपिंग का आमना सामना। जी हां, इसी नवंबर में 3 बार आमने सामने होंगे चीन के राष्ट्रपति और पीएम मोदी। इस बीच बड़ी अपडेट अगली निकल के आ रही है, चीन सतीश समदो बॉर्डर के लिए बनेगी नई सड़क, 100 किलोमीटर पर कम होगी दूरी। जी हां, यह बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीआरओ का नया कारनामा। तो सब कुछ खबरें क्लिक करके जाने की। कल देश में जहां उपचुनाव और दूसरे चरण का बिहार का मतदान होने वाला है और कल अमेरिका में भी पड़ने वाला है, वोटिंग होने वाली है, कल चुनाव है। ऐसे में रिपब्लिकन भारी या फिर जो बाइडन या फिर ट्रंप, जानेंगे एक एक करके। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है और इस देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको गर्व है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल इमरान खान को पड़ा भारी बयानबाजी। फ्रांस ने 183 पाकिस्तानियों के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, फ्रांस छोड़ने के आदेश। दरअसल फ्रांस ने एक बार फिर से एक ये साफ कर दिया है कि वो मुस्लिम देशों के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। फ्रांस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अहमद सुजा पासा के रिश्तेदारों सहित 183 पाकिस्तानी नागरिकों को भी विजिटर वीजा रद्द करने का ऐलान कर दिया है। 118 पाकिस्तानियों को जनरल डिपोर्ट भी किया जाएगा। इमैनुअल मैक्रो सरकार की इस कार्रवाई को सीधे तौर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की फ्रांस विरोधी बयानबाजी और हुई हरकतों संसद में हुई हरकतों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पेरिस में पाकिस्तान के वाणिज्यिक दूतावास ने इस खबर की पुष्टि करते हुए फ्रांस के पूर्व ISI चीफ की वैन को अस्थायी रूप से रहने की इजाज़त देने का आग्रह किया है क्योंकि वो अपनी बीमार सास को देखने के लिए फ्रांस आई हैं। पाकिस्तान का दावा है कि फिलहाल वैध दस्तावेज होने के बावजूद इनके 118 नागरिकों को जबरन डिपोर्ट किया गया है। तो ये अपने आप में फ्रांस छोड़ने के आदेश दे दिए हैं फ्रांस के अधिकारी, फ्रांस की सरकार ने। ऐसे 118 पाकिस्तानी तत्काल फ्रांस छोड़ दें, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। फ्रांस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने स्कूल में पैगंबर मोहम्मद कार्टून दिखाने की पेरिश में हुई हत्या को पाकिस्तान ने सही ठहराया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। भूगोल सुधारने का वक्त आ चुका है भारत का। पीओके और गिलगित बल्टिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान, भारत लेकर ही रहेगा इन दोनों इलाकों को, पीओके पर करेगा कब्जा। पाकिस्तानी आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के रियासत के हिस्से रहे और अब लद्दाख के अपने कब्जे और गिलगित बल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत बनाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बल्टिस्तान की एक जनसभा में भारत के इस इलाके को अलग अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है। इमरान के इस दुस्साहस पर भारत ने फौरन चेतावनी दी। विदेश मंत्रालय का एक सख्त बयान सामने आया है जिसमें भारत ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान ने 1947 से गिलगित बल्टिस्तान और पीओके पर अवैध कब्जा करके रखा है। पाकिस्तान यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान भारत के इस हिस्से पर अवैध कब्जा फौरन छोड़े, गिलगित बल्टिस्तान और पाकिस्तान पीओके को तुरंत खाली करे। इमरान खान को यह समझ लेना चाहिए कि गिलगित बल्टिस्तान से लेकर पूरा पीओके भारत का है। इमरान कितना भी चीन के दबाव में आकर गिलगित बल्टिस्तान पर कोई ऐलान कर दे, लेकिन इमरान और बाजवा को ये समझना पड़ेगा कि अब खंड खंड पाकिस्तान में अखंड भारत का सपना बहुत जल्द साकार होने जा रहा है और गिलगित बल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग होकर ही रहेगा। तो बोलो इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एलएसी पर तनातनी के बीच इसी महीने 3 बार प्रधानमंत्री मोदी और सी जिनपिंग होंगे आमने सामने। लद्दाख में तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग का इसी महीने 3 बार दुनिया के अलग अलग और महत्वपूर्ण मंचों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आमना सामना हो सकता है। शंघाई शिखर वार्ता से इन मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा और 10 नवंबर को SCO के मंच पर मुलाकात निर्धारित हो रहा है। वहीं 17 नवंबर को ब्रिक्स शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेता आमने सामने होंगे। सबसे आखिर में 21 से 22 नवंबर तक चलने वाली G20 समिट में भी भारतीय PM और चीनी राष्ट्रपति
का आमना सामना हो सकता है। ये रूस ब्रिक्स और SCO समिट के दौरान आयोजन की अध्यक्षता करेगा। वहीं G20 समिट की शुरुआत रियाद की ओर से की जाएगी और यह पहला मौका होगा जब दोनों नेता सीमा तनाव के बीच एक साथ होंगे। 15 जून की गलवान घाटी के बाद दोनों देशों के बीच के रिश्तों में कटुता आई है। गौरतलब है कि तब देश के 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीन का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसने आज तक गलवान में मारे गए अपने चीनी सैनिकों की जानकारी गोपनीय ही रखी है। भारत और चीन के बीच उच्चस्तरीय मुलाकात हो चुकी है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इस बार सभी आयोजन वर्चुअल मोड पर हो रहे हैं और इसी साल के शुरुआत में सऊदी अरब ने महामारी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में G20 के साथ काम करने का ऐलान किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन से सटे समदो बॉर्डर के लिए बनेंगी नई सड़क। 100 किलोमीटर कम होगी दूरी। दोस्तों, चीन से सटे समदो बॉर्डर के लिए एक और सामरिक महत्व की सड़क का निर्माण होगा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर को जोड़ने वाली भावानगर मुद्द सड़क रोड निर्माण बनी फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब लोक निर्माण विभाग इस सड़क पर काम शुरू करेगा। सड़क बनाने से शिमला से काजा की दूरी 150 किलोमीटर के समदो बॉर्डर की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी और सेना का अब काजा पहुंचाने में 4 घंटे कम लगेंगे। करीब 32 किलोमीटर इस सड़क समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कमाल किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। IPU की बैठक में आमने सामने होगा भारत पाकिस्तान अध्यक्ष पद पर मात देने की तैयारी। दरअसल भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने होने जा रहा है। विभिन्न सांसदों की सर्वोच्च संस्था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दोनों देशों के बीच एक छोटे कूटनीतिक लड़ाई देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान IPU का अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है। इसका सामना पुर्तगाल, कनाडा, उज्बेकिस्तान के 3 अन्य उम्मीदवारों से भी है। अधिकारियों के अनुसार भारत पाकिस्तान की उम्मीदवारियों का विरोध करने के लिए तैयार है। भारत पुर्तगाल के ड्यूटे वर्च को या उज्बेकिस्तान में अक्रमल सदैव को अपना समर्थन दे सकता है। आपको बता दें, कनाडा से सलामा उत्तहालुम और पाकिस्तान से मोहम्मद संजरानी चुनावी मैदान में। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल अमेरिका में कल राष्ट्रपति चुनाव जाने, रिपब्लिकन ट्रंप या डेमोक्रेटिक को जो बाइडेन, किसका पलड़ा होगा भारी। विश्व भर में कोरोना का प्रकोप अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं। डेमोक्रेटिक खेमा जहां कोरोना से निपटने में ट्रंप की नीतियों का नाकाम बता रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप चीनी वायरस के बहाने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। मंगलवार को अमेरिका में चुनाव है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी ट्रंप सर्वे में पीछे ही हैं, लेकिन इस बार बाजी पलटने का दावा लग रहा है। बाइडेन ने ट्रंप के अनुच्छेद मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और ट्रंप के वोट बैंक पर सेंध लगा दी है। अमेरिकी चुनाव में पहली बार भारतीय मूल के वोटर बड़ी ताकत में बनकर उभरे हैं। 16 राज्यों में इनकी संख्या कुल आबादी के 1% से ज़्यादा है, लेकिन खास बात यह है कि 13 लाख भारतीय में 8 राज्यों में रहते हैं जहां कांटे का मुकाबला है। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए एक वोट कीमती हो जाता है। याद रहे, भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार का भी नारा लगा गया था। ट्रंप भी गाहे बगाहे भारत के प्रति अपना प्रेम जाहिर करते रहते हैं। अमेरिका में 24 करोड़ मतदाता हैं। बीते 28 अक्टूबर तथा 7.5 करोड़ से अधिक वोट डाले जा चुके हैं। 2016 में अर्ली वोटिंग में भी 5 करोड़ से अधिक लोगों ने वोट डाले थे। चुनावी जानकारों का कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी साइलेंट वोटर ही किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। तो ये अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बात करें अगर, तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी फिलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि अगले बार भी नहीं दिख रहा था। जो बाइडेन का पलड़ा तमाम मीडिया संस्थानों में भी भारी दिख रहा है। ऐसे में इस बार देखने की बात होती है कि क्या सिचुएशन होती है, लेकिन हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका में चुनाव नज़दीक आते ही चौकन्ना हुआ चीन, सैन्य विवाद टालने को दे रहा है तरजीहियाँ। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नज़दीक आते ही सावधान हो गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी सूत्र और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चीन और अमेरिका के संबंध कई दशकों से सबसे अनिश्चित और खतरनाक दौर में है। ऐसे में चाइना लगातार अब ये सोच रहा है कि इस चुनाव में आखिर कौन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं या फिर सत्ता में जो बाइडेन आते हैं। हालांकि आए कोई भी, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो हो, लगातार चीन के लिए मुश्किल ही खड़ी पैदा होंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन और रूस के काफ़ी दोस्त माने जाते हैं। ऐसे में इसके बाद कहीं ना कहीं एक तरीके के बयान और निकल के आने के बाद अब चीन को जो बाइडेन पर भी भरोसा नहीं रह गया है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के लिए हिंदू महासभा ने किया आह्वान, कहा विजयी भव। दस साल अमेरिका में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में होने वाले उम्मीदवारों ने एक दूसरे के गढ़ में पूरी ताकत लगा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जीत के लिए सोमवार को मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हवन पूजन किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने बताया है कि विश्व शांति के लिए ट्रंप का राष्ट्रपति बनना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कट्टर आतंकवाद का खात्मा करते हैं। हिंदू महासभा ने ट्रंप को विजयी भाव का आशीर्वाद भी दे दिया है। इस बार चुनाव में दो उम्मीदवार प्रमुख है, मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन। दोनों के बीच डिबेट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डिबेट के बाद दोनों उम्मीदवार की तुलना का दौर चल रहा है। दोनों के व्यक्तिगत से लेकर सोच और नीतिगत विचार से लेकर व्यवहार तक हर पहलू पर नज़र रखी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अब हिंदू महासभा भी चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल सार मनोवर राणा के खिलाफ FIR दर्ज, फ्रांस की घटना पर कहा था हम भी मार देंगे। जी हाँ, फ्रांस में एक पत्रिका में प्रकाशित कार्टून और हत्या के मामले में विवादित बयान देने वाले सार मनोवर राणा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में सोमवार को FIR दर्ज कराई गई है और ये FIR सब इंस्पेक्टर दीपक पांडे ने दर्ज कराई है। FIR में मनोवर राणा और उनके बयान विभिन्न समुदायों में वैमनस्य फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला लग रहा है। इस मामले में IPC की धारा 153A, 295, 298, 505, 1B, 502, 5 IT एक्ट लगाया गया है। सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने FIR में लिखा है कि फिलहाल फ्रांस की घटना पर मनोवर राणा ने एक न्यूज़ चैनल को लखनऊ में दिए इंटरव्यू में विवादित बयान दिया है और ये बयान सोशल मीडिया पर व कई अन्य वेबसाइट पर तेजी से वायरल हो रहा है। मनोवर राणा ने दिए बयान में विभिन्न समुदायों में वैमनस्य फैलने और सामाजिक सौहार्द के प्रति प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसमें शांति भंग होने की भी आशंका है। इंस्पेक्टर हजरतगंज अंजनी पांडे ने बताया है कि इस मामले में जाँच की जा रही है, जल्द ही इसमें विधिक कार्रवाई भी की जाने वाली है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल AMU के छात्र नेता की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था फ्रांस का विरोध। जी हाँ, दरअसल फ्रांस को लेकर पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस के खिलाफ कुछ प्रदर्शन UP में भी हो रहे हैं। इसके बाद से ऐसे लोगों पर योगी सरकार सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ताज़ा जानकारी अनुसार अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता फरहान जुबैरी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जुबैरी की तत्काल गिरफ्तारी के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जुबैरी ने फ्रांस और ईसाइयों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके साथ ही जुबैरी ने ईसाइयों को कत्लेआम को भी सही ठहराया था। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक फरहान जुबैरी फिलहाल फरार चल रहा है। यूपी पुलिस उसकी गहनता से तलाश कर रही है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस में दर्ज FIR में कहा गया है कि 29 अक्टूबर की शाम 4 बजे AMU अलीगढ़ के छात्र नेता फरहान जुबैरी द्वारा डक पॉइंट से बाबा सैयद गेट तक विरोध मार्च निकाला गया था। इस फ्रांस दौरान फ्रांस की एक पत्रिका में प्रकाशित मोहम्मद पैगंबर के कार्टून को लेकर विशेष का धर्म विशेष का नाम लेने के हुए आपत्तिजनक टिप्पणी के लोगों को जान माल के धमकी दी गई थी। FIR में आगे कहा गया है कि इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी में जनमानस में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस तरीके से आपको बता दें कि अब पुलिस प्रशासन ने सख्त शिकंजा कसा। योगी आदित्यनाथ सरकार का आदेश दे दिया गया है, जल्द से जल्द ऐसे जिहादियों को गिरफ्तार करो, ऐसे लोगों का फन कुचला जाना चाहिए जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यूपी में खास करके। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने ने पकड़ा तूल, 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। हैं 10 साल, आपको बता दें मथुरा जनपद के नंदगांव स्थित नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज अदा करने के मामले में तूल पकड़ लिया गया है। मंदिर के 2 सेवायतों की तहरीर पर थाना बरसाना से 4 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। सेवायतों ने नमाज अदा करने वाले युवकों के संबंध में विदेशी संगठनों से होने की आशंका जताई है। इसके साथ ही विदेशी फंडिंग की भी जांच की मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली से आए 2 युवकों ने मंदिर परिसर में नमाज अदा की, इसके साथ ही फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। मंदिर के सेवायतों मुकेश गोस्वामी और शिवहरि गोस्वामी ने रविवार को शाम की तहरीर में कहा है कि 29 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे नंद बाबा मंदिर नंदगांव में मुस्लिम यात्री और दिल्ली की खुदाई संस्था के सदस्य फैसल खान और मोहम्मद चांद अपने साथियों आलोक रतन और नीलेश गुप्ता के साथ आए थे। आरोप है कि फैसल और
मोहम्मद चांद ने सेवा यतों की बिना अनुमति और जानकारी के मंदिर परिसर में नमाज अदा की। इस साथियों से फोटो खिंचवा कर इसे सोशल मीडिया पर भी डाला। इसके साथ ही कृत्य से हिंदू समाज में रोष है, सेवा यतों ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो इस तरीके से अब आप समझ सकते हैं कि लोगों में गुस्सा है। इस तरीके से मंदिरों में जाकर नमाज पढ़ना ये अपने आप में ये सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए अब इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, रामविलास पासवान की मौत को लेकर जीतन राम मांझी की पीएम मोदी से मांग, मामले की न्यायिक जांच की जाए। जी हां, दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के नेता रामविलास पासवान की मौत को लेकर सियासी बवाल मच गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पासवान की मौत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस मामले की न्यायिक जाँच की मांग की है। वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि फिलहाल जाँच की मांग करने वालों की सर मानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि रामविलास पासवान की मौत का न्यायिक जाँच होनी चाहिए। पासवान राज्य के बड़े नेता थे और केंद्रीय मंत्री भी थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ था। उनकी मौत की खबर भी देरी से ही आई है, इसलिए इसे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान पर सवाल खड़े कर दिए। रिजवान ने कहा है कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर चिराग पासवान रामविलास पासवान से जुड़ी हुई कौन सी जानकारियां छिपा रहे हैं। प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में भी देश के बड़े दलित नेता पर भी मांगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जबरन धन परिवर्तन कानून पर बोले निकिता के पिता, पहले ही बन गया होता कानून तो आज जिंदा होती मेरी बेटी। जी हां, दरअसल जबरन धन परिवर्तन को लेकर कानून बनाने के हरियाणा सरकार की तैयारियों के बीच निकिता के पिता का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि फिलहाल यह कानून पहले ही बन जाना चाहिए था, अगर यह कानून पहले ही बन गया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। इसके लिए सभी पार्टियों के साथ आकर फैसले का समर्थन करना चाहिए। यूपी के बाद हरियाणा में भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी हो रही है। रविवार सुबह गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कानून की पैरवी की है। फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड के बाद प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने पर मंथन शुरू कर दिया है और यह कानून बनने के बाद बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाला पर शिकंजा कसेगा। सरकार इस तरह का कानून बनाना चाहती है जिसमें ऐसे में मामलों में कड़ी से कड़ी सजा मिले और जुर्माने का भी प्रावधान हो। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, जहां पर राजस्थान गुर्जर आंदोलन भरतपुर करौली सहित 4 जिलों में इंटरनेट बंद, 60 ट्रेनें डावर्ट। जी हां, राजस्थान में सबसे पिछड़ा वर्ग MBC में बैकलॉग की भर्तियां, 5 प्रशिक्षित आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर गुर्जर ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। रविवार को रोडवेज के 5 बड़े डिपो दौसा, डिहोडा, गरौली, भरतपुर और बयान के लगभग 220 बसों को रोक दिया गया। वहीं भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और जयपुर जिले की कई तहसीलों में इंटरनेट सेवाएँ भी बंद कर दी गई हैं। कर्नल रिहोड़ी सिंह बैसला के गुट के लोग रविवार को रेलवे ट्रैक पर धरने पर भी बैठ गए हैं। उनका यह धरना आज भी जारी रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा है कि इस बार हमारा प्रतिनिधिमंडल सरकार के साथ बातचीत करने के लिए कहीं नहीं जाएगा। अगर सरकार बात करना चाहती है तो रेलवे ट्रैक पर आकर हमसे मिले। गुर्जर आंदोलन की वजह से भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर के जयपुर जिले की तहसीलों पर ये इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूपी में आलू, प्याज और दाल के दामों को लेकर सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। जी हां, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को निर्देशित किया कि आलू, प्याज, सब्जियों और दाल के दामों को नियंत्रित सख्ती से नियंत्रित किया जाए, जमाखोरों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जाए। उन्होंने जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए हैं। इस बीच आपको बता दें सीएम योगी ने कहा है कि मंदिर में नमाज अदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसके साथ ही इस तरीके की कार्रवाई करेंगे कि दोबारा इस तरीके का जो जिहाद है वो मंदिरों में न फैलाया जा सके और मंदिरों को मांस मदिरा खा करके ये अशुद्ध ना कर सके मंदिरों को, इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट। मतदान से पहले चिराग ने दिया नया नारा, नीतीश कुमार तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा की सरकार बनाई। जी हां, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को यानी कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और इसके मद्देनजर सभी पार्टियों के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने और का दौर शुरू हो चुका है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इसके अलावा पार्टी ने एक नया चुनावी नारा भी दे दिया है। ये नारा नीतीश कुमार तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई का नारा है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।